होंगे, क्या काम करते हैं। अब आजकल लोग गाँव में हैं तो मुझे ही जाना पड़ता है रोटी देने के लिए। तो हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं हूँ राखी नेगी, उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल कोटद्वार से, और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में, नए दिन नई शुरुआत के साथ। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से, और रियांश को मैंने ताऊ जी ने स्कूल छोड़ दिया है, और नाश्ता पानी में मैंने कुछ नहीं बना रखा दोस्तों। तो चलिए आज का मौसम दिखाते हैं सबसे पहले आप लोगों को। तो आज का मौसम ऐसे बहुत ही अच्छा हो रखा है, धूप आ गई है। तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ स्वामी जी को नाश्ता देने के लिए रोड में, और मैं रोड में क्यों जाती हूँ तो दोस्तों, मैं रोड में इसलिए जाती हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे स्वामी जी ड्राइवर है और वो गाड़ी चलाते हैं, तो लेकिन मैंने ये नहीं बताया था आप लोगों को कि वो कौन सी गाड़ी चलाती है। तो पहले मैं अपना मुंह देख लेती हूँ कि सभी सफेद नहीं हो रखा होगा। तो मैंने आपको ये नहीं बताया था कि वो कौन सी गाड़ी चलाते हैं, तो ये देखने के लिए आपको अभी मिल जाएगा। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, अगर आप लोगों को भी जानना है कि मेरे स्वामी जी कौन सी गाड़ी चलाते हैं। वैसे तो जो लोग मुझे जानते हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो लोग मुझे नहीं जानते उनको नहीं पता होगा कि कौन सी मतलब क्या चलाते हैं। तो ये है, इसमें मैंने रखा हुआ है उनके लिए रोटी, तो वो सुबह खा के नहीं जाते क्योंकि सुबह सुबह भूख नहीं होती है। तो हमारे भी रोड से ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम डेली उनको देने के लिए जाते हैं रोड में। तो अभी मैं जा रही हूँ, और क्या बोलते हैं, और तो आज मैं फिर से वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं ऐसे बनाती नहीं हूँ गली में, इधर उधर से मुझे लोग भी देख रहे होंगे। अभी तो नहीं है, शायद कोई दिख नहीं रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों को दिखाया जाए कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं स्वामी जी। तो उनका वो हम मुझे रोज़ फ़ोन करते हैं कि रोटी लेके आ जाओ, तो तभी मैं जाती हूँ। अभी उनका फ़ोन आ गया है कि मैं पहुँचने वाला हूँ अभी, तो मैं चलो मैं वहीं पर मिलती हूँ आप लोगों को जब मैं रोड में पहुँच जाऊँगी। पहले मैं फटाफट से जाती हूँ क्योंकि देर हो जाएगी नहीं तो मिलते हैं दोस्तों अभी। तो दोस्तों अभी मैं आ चुकी हूँ रोड पे, और अभी तो स्वामी जी आए नहीं हैं। तो वैसे तो मैंने बताया था आप लोगों को मैं ऐसे बनाती नहीं हूँ वीडियो, तो आज मैं ऐसे ही ला गई अपने साथ में। तो दोस्तों रोड अभी एकदम खाली हो रखा है, और अभी आएंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो वीडियो में बने रहना एंड तक, अभी तो आए नहीं है और लोग मुझे देख के हंस रहे हैं। तो यहाँ पे अभी बस जाने वाली है, तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो कोई हेलो आए बाय बाय कुछ नहीं कर रहा है। तो दोस्तों स्वामी जी आ गए हैं, और हेलो, तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो ये थे मेरे स्वामी जी जो कि आप लोगों ने देख लिए होंगे, क्या काम करते हैं। तो दोस्तों स्वामी जी को तो आप लोगों ने देख ही लिया है मेरे कि वो कौन सी गाड़ी चलाते हैं, तो पता चल गया होगा। और साथ में हम लाते दूध, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं दूध भी लाती हूँ यहाँ से मार्केट से, और वहाँ से भी लाते हैं घर में भी। तो क्या है ना दोस्तों, मुझे हमें मतलब अभी तक तो शिवानी जाती थी, अब आजकल लोग गाँव में हैं तो मुझे ही जाना पड़ता है रोटी देने के लिए। तो रोटी तो देनी है क्योंकि यार जो लोग बोलते हैं ना कि ड्राइवर से, जो लोग मतलब ड्राइवर के साथ शादी नहीं करना चाहते, तो ऐसा नहीं है, बस लड़का अच्छा होना चाहिए चाहे वो ड्राइवर हो या कुछ भी हो। तो ऐसी सोच मत रखो कि देखो उधर भी एक गाड़ी है,
वो भी ड्राइवर ही होंगे मेरे हिसाब से, तो उनके साथ भी अच्छी खासी लाइफ चल सकती है और मैं भी बहुत खुश हूँ। सच में बहुत खुश हूँ मैं, और मेरी खुशी तो आप लोगों को दिख रही होगी कि मैं कितना खुश हूँ। तो फिर मिलते हैं आपको अभी थोड़ी देर में। तो दोस्तों मैं घर में पहुँच चुकी हूँ और स्वामी जी से तो मैंने आप लोगों को मिलवा लिया है, और खुशी की बात तो ये है कि आज मैं सवारी भी नहीं थी गाड़ी में, मतलब आधी में रही होगी तो मैंने चुपके से वीडियो बना ली, लेकिन वो तो मना करते ना, बोलते कि मुझे मत निकाला कर व्लॉग में। तो अभी मैं थोड़ा घर में काम कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा नहीं किया हुआ है अभी, क्योंकि आज सुबह से ऐसे हो जाता है। तो चलो फिर मिलते हैं, फिर झाड़ू पोछा करके उसके बाद मुझे आधे आलू भी लगाने, परसों मैंने आलू लगाए थे तो क्या बोलते हैं पूरे हुए नहीं, तो मैंने दोबारा मंगाए तो अभी लगाऊंगी, उनको थोड़े से बचे हुए हैं। तो अभी मैं पूरा काम करके निपटा के फिर मिलती हूँ आपको। तो दोस्तों टाइम हो रहा है, 1:30 बज गया है और खाना मैंने बना लिया है, तो स्वामी जी तो अभी आए नहीं खाना खाने के लिए, तो मैंने भी नहीं खाया अभी। वैसे तो मैं कभी कभी खा लेती हूँ 2 बजे, अभी 2 बजने तक इंतज़ार करूँगी तो उसके बाद मैं खा देती हूँ। तो करते हैं अभी 2 बजे तक वेट, पता नहीं कब आएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना तब तक मैं ब्लॉग बनाऊँ। तो दोस्तों क्या बोलूँ मैं ब्लॉग में, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, क्या टॉपिक पे बात करूँ आपसे। यार आप लोग तो देखते नहीं हो, मेरा ना केक खाने का बहुत मन कर रहा है, तो मेरा चैनल क्या बोलते 1000 सब्सक्राइब करा दो प्लीज़, तब मैं भी केक काटूँगी। तो अभी आएंगे तो तब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ, क्योंकि खाना तो मैं भी बना के आ गई। तो दोस्तों स्वामी जी मेरे आ गए हैं और अभी मैं रख रही हूँ खाना, क्योंकि अभी मैंने भी नहीं खाया है, टाइम हो गया है 2 से भी ज़्यादा हो गया टाइम, शायद 2:15 या 2:30 बजने वाले होंगे, मैंने देखा भी नहीं, लेकिन 2 से ज़्यादा हो गया है। तो अभी आ रहे वो, तो अभी हाथ मुँह धो रहे, तब तक मैं खाना रख रही हूँ। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 5 और मेरी हालत ख़राब हो गई है, पसीना देखो खेत खोदते खोदते। तो मैं तो भूल ही गई थी कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ, सच में यार बहुत आफत आ गए। और ये रियांश, रियांश इधर दे, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं पहुँच जाता है काम करने के लिए, इसे काम करने का बहुत शौक है दोस्तों, तो मुझे लग रहा है ये किसान बनेगा। तो दोस्तों खेत का काम भी मैंने कर लिया है, खुदाई वगैरह, तो अभी मैं जा रही हूँ दूध लेने। तो फिर आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। तो चलिए फिर टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।